कितना ज़्यादा चीज़ी और जूसी पास्ता है ये, क्या खुशबू आ रही इसमें से। अगर आपको भी इस पास्ता को देखकर मुंह में पानी आ रहा हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट सॉस चीज़ी पास्ता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये रेसिपी मैंने एक बार ट्राई कर चुकी है, लेकिन वो मैदे के साथ थी। तो मैदे के साथ जब मैंने खाई तो थोड़ा सा जब वो ठंडा हो गया तो उसमें नीलम पानी लगे मैदे के, एंड टेस्ट वॉज ऑफुल। तो इस बार मैंने मतलब ट्राई किया है चीज़ पास्ता, यानी मैदे की जगह आप चीज़ यूज़ करेंगे। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो एक चैनल है कुकिंग शूटिंग हिंदी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही प्यारा पास्ता बनाया तो मैं आज उन्हीं की रेसिपी फॉलो करने जा रहा हूँ। सो या लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी वेजीज हैं वो सारे प्रिपेयर कर लेंगे कट करके। तो वेजीज में मैंने लिया है 3 मिर्चें, कुछ लहसुन की कलियाँ और गाजर जिसको हम हाफ इस्तेमाल करेंगे, शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज की प्याज। मिर्च को हम लंबी लंबी काटेंगे। और लहसुन को एकदम छोटा छोटा चॉप कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि केवल मिर्च और लहसुन डालना है, अदरक नहीं। अगर आप अदरक डाल दोगे तो इससे आपका जो ग्रेवी है थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाजर से। गाजर का ध्यान रखना है कि लंबा लंबा कट होना चाहिए। अब बारी आती है प्याज काटने की। प्याज को हम चाइनीज स्टाइल में काटेंगे, मतलब जैसे कि चाइनीज फूड में काटा जाता है। शिमला मिर्च को भी वैसे ही मीडियम साइज काटना है। तो हमारी भाजी रेडी हो चुकी है कटू के पूरी। तो मैंने पास्ता की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा ली है क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और आज मेरा लंच यही है। पास्ता को होने देंगे 10 मिनट तक बॉईल, तब तक हम लोग करते हैं कुछ बातचीत। तो मैंने अपनी कुकिंग की जर्नी क्लास 8 से स्टार्ट कर दी थी और मेरी पहली डिश वही थी जो हम सब की पहली डिश होती है, वो है मैगी। फिर मैगी से मैं गया सब्जी वाली मैगी पे, फिर सब्जी वाली मैगी से मैंने मैगी हटा दी और केवल सब्जी बनाई। तो जैसे मैं बड़ा होता कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कुकिंग को लेकर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हैं, मतलब कि लड़की का काम है ये, लड़के क्यों करें। और जब मैं किसी लड़की या किसी फ्रेंड से बोलता हूँ कि कुकिंग कर लेता हूँ, एंड दे वाला शक ओ कैसे मतलब कि मतलब कुक करना जानते हो, कितनी बड़ी बात है। एंड आई वॉज लाइक कि यार कुकिंग इज़ बेसिक सर्वाइवल स्किल, ये हर किसी को आनी चाहिए। आपको नहीं पता कब आप इमरजेंसी पड़ जाए और आपको करना पड़े, आपकी बाई ना आए या फिर घर में किसी बड़े की तबीयत ख़राब हो जाए और आपको कुक करना पड़े, तो ज़रूरी होता है आपको सीखना। इसी तरह बहुत सारी बेसिक सर्वाइवल स्किल होती हैं जो कि मैं खुद नहीं जानता, लेकिन ज़िंदगी में आगे उसको सीखते जाते हैं। जैसे कि मैं स्विमिंग नहीं जानता, ड्राइविंग नहीं जानता, तो या ये सब का भी गोल है और मैं ट्राई करूँगा कि इस साल मैं ड्राइविंग सीखूँ और उसका भी ब्लॉग बना के डालूँ। 10 मिनट हो चुका है, चलिए देखते हैं कि हमारे पास्ता का स्टेटस क्या है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। तो बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स और मसालों के बारे में आपको बता दूं, तो मेरे पास रिफाइंड नहीं है इसलिए मैं बटर का यूज़ कर रहा हूँ। 2 प्रोसेस चीज़ क्यूब चाहिए, 15 रुपये का एक आता है, तो या दूध चाहिए और ओरिगैनो चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स खानी तो मैंने लाल खड़ी लाल मिर्च को कूट दी है और ओरिगैनो मैंने डोमिनोज का इस्तेमाल किया है। और कुछ तेज पत्ता, 4 लौंग, काली मिर्च और नमक। सो या लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले आपको एक लास्ट चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने सेटअप कैसे किया है।
तो यहाँ पे लाइट रहेगी, फोकस कर दूँ कढ़ाई की तरफ, और ट्राईपॉड रहेगा, ट्राईपॉड से मैं एंगल सेट करने का ट्राई करूँगा, अगर उससे नहीं होगा तो फिर मैं मोनोपॉड का यूज़ करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। बटर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा। बटर गरम हो चुका है तो तेज पत्ते और लौंग डाल देते हैं। दो मिनट बाद इसमें हम फिर तड़का लगाएंगे अपने लहसुन और मिर्च का। इसको लाइट ब्राउन होने तक सॉटे करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये ब्राउन हो चुका है, तब इसमें हम डाल देंगे बाकी की वेजीज। अब अपनी वेजीज को सॉटे करेंगे। हमें इसको तब तक भूनना है जब तक ये जो प्याज है हमारी ट्रांसलूसेंट ना होने लगे, मतलब इसके आर पार ना होने लगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच नमक, 2 चुटकी काली मिर्च, 2 चुटकी। मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, मैंने आपको एक इंग्रेडिएंट दिखाना भूल ही गया था, वो है कसूरी मेथी। हम इसमें हल्का सा कसूरी मेथी भी डालेंगे, एकदम थोड़ा सा। लगभग हमारी वेजीज कुक हो चुकी है तो अब आ गया है टाइम दूध डालने का। थोड़ा सा दूध बचा लेंगे, उसको लास्ट में डाला जाएगा। डालते हैं अपना चीज क्यूब्स। वैसे लाइफ में पहली बार मैं चीज क्यूब यूज कर रहा हूँ। आई थिंक इसको फाड़ने का तरीका दिया था, लेकिन छोड़ो क्या ही करना है। हम अपने चीज को मेल्ट होने तक पकाएंगे। अच्छा, आपको एक और चीज बात बता दूं कि किचन में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो इसलिए आपके घर में जो भी खाना बनाता है, चाहे मम्मी हो, पापा हो या भाई हो, तो उनके लिए एक अलग से रेस्पेक्ट बन जाती है, क्योंकि वो इतनी गर्मी में हमारे लिए खाना बनाते हैं। और मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है कि मैं शर्ट भी उतार दिया हूँ, लेकिन कैमरे के पीछे हूँ तो आपको क्या ही पता चलेगा। चीज़ की खुशबू इसमें से आना स्टार्ट हो गई है और ये काफ़ी मुँह में पानी आ रहा है। अब इसमें हम डालेंगे अपना पास्ता। बाकी बचा हुआ दूध भी डाल देंगे। अब मैं आपको जो स्टेप बताने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से ऑप्शनल है, वो ये कि आप इसमें कॉर्न फ्लोर डाल सकते हो पानी या दूध में मिला के। वैसे दूध में मिलाना चाहिए, तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो जाएगी।
80% ये रेडी हो चुका है। अब इसमें डालते हैं अपना लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स। तो हमारा पास्ता पूरी तरह से रेडी हो चुका है, फाइनल सर्व करेंगे। पास्ता के साथ कोल्ड ड्रिंक का डेडली कॉम्बो। ओए होए 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 होए, आज तो मजा आ जाएगा। ये देखिए कितना ज्यादा चीजी पास्ता है ये। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। सो ये रहा मेरा पास्ता, देखते हैं कैसा बना है। भाई साहब पूरा कैफे वाला फील आ रहा है। बस इसमें बेसिक लीव्स की कमी है, मतलब उसका जो थोड़ा सा फ्लेवर होता है वो मिसिंग लग रहा है, वरना बेस्ट है यार, बेस्ट है। आप सबको एक बार ट्राई करना चाहिए। चीयर्स। पास्ता या पिज़्ज़ा कुछ भी इस तरह चीज़ी खाने के बाद जब आप कोल्ड ड्रिंक की सिप लेते हो, वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।